छत्तीसगढ़ के और रांची के भाई लोग निकले थे, बेंगलोर से कारपेंटर का काम करते थे,
हम लोग बेंगलोर से जा रहे थे अपने गांव रांची, दुर्घटना कहां घटी? हैदराबाद शमशाबाद के पास अपने पठानचल के रिंग रोड पर, रिंग रोड पर दुर्घटना घटी। 8 में 6 लोग मर गए भाई लोग, सुनना ध्यान से बात, सभी लोगों में बोल रहा हूँ, 8 में 6 लोग मर गए। घर का फोन बज रहे, फोन जिंदा है, सुन ले रहोगे, फोन बचते रहेगा, बात सुनो ध्यान से सुनना, साइलेंट सुनना मेरे पास, जो फोन आप लोग मिला रहे ना, हमारे जाने के बाद भी चालू रहेगा, चार्जिंग लगाने वाला रहना पहले, सुन लो। उस टाइम वो लावारिस लाश को पहुंचाने का कार्य हमारे एमएलए महिपाल रेड्डी साहब ने 3 लाख खर्च करके लाश उनके घर पहुंचाए। ये बात चरित्र में पहली बार है, बिहार वाले को कोई पूछता नहीं है, कौन पूछता है? यूपी बिहार में कोई पूछता है? कोई विधायक पूछता है हम लोग को? नहीं, सारा झट पर आगे पे आते हम लोग 10,000 कमाने के लिए। कितना बसता है? कुछ नहीं बसता है सारा आदमी, पेट मार मार के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, सारा पूछने वाला कोई नहीं रहता है। ये पता है जब पे सारा हम लोग कुछ नसीब है, एमएलए हमारा महिपाल रेड्डी साहब और उनको धैर्य बढ़ाना, हम लोग उनका भाई मधुसूदन रेड्डी साहब आज आने नहीं देते, फोन करे तो सर पहले फोन उठा के तुरंत दो मिनट पहुंचे, जहां दुर्घटना घटी वहां समझो उनका परिवार पहुंचा। इसके लिए आप सभी को मैं निवेदन करूंगा, ऐसा काम ऐसा कार्य करो जो कि बार बार हम लोग खेसारी भैया को यहाँ पे बुलाए, हर साल यहाँ बुलाया जाएगा उनको। आप लोग संयम मन से प्लीज देखिए देखिए भैया, एक बार सुनो हमारा, बस जोर से ताली आ रही है, मैं बंद कर दूंगा। एक बार जयकार लगाना, जय चंडी मैया की, जय भला, जय जीएम। मेरे सबके लिए है 60 से 70 लाख रुपए लगा के आपके लिए प्रोग्राम आयोजन किया, उनके लिए जयकार, उनके परिवार के लिए जय जी अमर, जय जी अमर, जय जी अमर। देखिए आपके हनुमान के अंदर पावर तो है, इस परिवार का बहुत बड़ा कर्जदार हूँ। मैंने इतनी पुस्तक अपने किसी कार्यक्रम में लगते हुए नहीं देखी, इतना बड़ा हो गया था खेसारी का, कल 40 महिला पर मारा था। थैंक यू सो मच, ये अपनी इतना सम्मान इस जगह पे दिया, जबकि मैं ना ही हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ और ना ही मैं इस भाषा का आदमी हूँ, मैं तो एक गरीब का बेटा हूँ, बिहार में रहने वाला, लेकिन तेलंगाना में इतना सम्मान मिला। मकसूदन भैया, मधुसूदन भैया हमारे महिपाल रेड्डी जी, उनकी पूरी फैमिली और संदीप भाई का तो जोड़ा ही नहीं है, संदीप भाई तो अलग ही है, ये इतने प्यारे हैं कि जब से आया हूँ तब से इनके लोग, इनके अपने सब लोग खेसारी की सेवा में लगे हुए हैं, तो थैंक यू पूरी टीम को, दिल से धन्यवाद। हाँ बाबू, मैं समझ सकता हूँ सर आपकी भावनाओं को, क्योंकि आपके भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारे महिपाल रेड्डी जी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे और सब लोग इंजॉय भी करें।
बतिया पीछे ना हटल जाई वो तो अच्छा।
शादी बनाबा काली और पूरे कमेटी मेंबर को दिल से धन्यवाद। आप सबका नाम तो नहीं जानता बट आप लोग मेरा प्रणाम स्वीकार करके आप लोग नहीं होते तो कार्यक्रम सफल नहीं होता। और कल एक गाना हमारा तबला छूटा था उसको हाइकाल 30-60-40 इसके बाद बहुत सारे कार्यक्रम अभी आप लोगों को डांस भी चलेगा। वेस्ट कर रखिए छाओ छाओ अपने मोबाइल की लाइट चला कीजिए
तो उससे पहले चाहिए भैया।